नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। शहर में अपराधियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। सटई रोड पर बीती रात एक शख्स की धारदार हथियारों से हत्या कर दी। इतना ही नहीं, वे वहां से एक बाइक भी उठा कर ले गए। घटना की सूचना जैसे ही रविवार को पुलिस को मिली, पुलिस तत्काल घटना स्थल पर पहुंची और मौका मुआयना किया गया। आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों में ये दूसरी हत्या की वारदात सामने आई है। सटई रोड एमपीबी कॉलोनी निवासी चंदू शिवहरे की धारदार हथियार से हत्या की गई। चंदू शिवहरे ओम साईनाथ बोरवेल के संचालक थे। इसके बाद हमलावर उनकी पल्सर बाइक भी ले गए। बताया जा रहा है कि मृतक की पत्नी रानी शिवहरे मायके में थी और घर पर किराएदार मौजूद थे। घटना की जानकारी मिलने पर एसपी सचिन शर्मा, एएसपी विक्रम सिंह, सीएसपी लोकेंद्र सिंह, सिविल लाइन थाना प्रभारी, सिटी कोतवाली टीआई, ओरछा रोड थाना प्रभारी सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। 9:30 के आसपास हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आई कि जीवन ज्योति जो कॉलोनी है वहाँ पे चंद प्रकाश शिवहरे जो लगभग 42 ईयर के हैं, उनकी डेड बॉडी उनके घर में मिली हुई है। प्रकरण काफ़ी गंभीर था। इमीडिएट में भी वो पूरी टीम स्पॉट में आई है। मेरे साथ में फिंगर, डॉग स्क्वाड, एफएसएल सभी ऑफिसर्स हैं और इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड पता किया तो इनका बिजनेस वगैरह का काम है, बोरिंग वगैरह कुछ काम करते थे, कुछ कंस्ट्रक्शन लाइन का भी काम था, कुछ बच्चे ऊपर किराए से भी रहते थे। अभी हम इसमें मर्ग पंचायत नाम वगैरह बना करके पीएम करवा रहे हैं और जैसे साक्ष्य आएंगे उस अनुसार कार्रवाई की। अभी कुछ कह पाना जल्दबाजी होगी, थोड़ा सा वेट करें, पीएम हो जाने फिर आप इंटरव्यू। नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बहुत ही इनिशियल स्टेज में अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन है, कोई भी चीज़ कहना जल्दबाजी होगी, थोड़ा सा वेट कर ले, पीएम मेरा हो जाए फिर।